Hello everyone, welcome back again to the channel. Module 5, electrical installation के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारी चेकलिस्ट में आते हैं और किस किस टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि मॉड्यूल 5 एक ऐसा मॉड्यूल है कि किसी भी स्टूडेंट को जिसको बाकी सारे चैप्टर्स में डिफ़िकल्टी है या कॉन्फिडेंट नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाता, अच्छे से कर नहीं पा रहा है, तो मॉड्यूल 5 एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, और थ्योरी को अगर वो ढंग से लिख पा रहा है, प्रेजेंट कर पा रहा है, याद कर सकता है, तो उसको लिख करके उसको मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं और वो सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है, राइट? तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप पढ़ के जा रहे हैं उसको सही से पढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी आप एक सेलेक्टेड पार्ट पढ़ रहे हैं और उस सेलेक्टेड पार्ट में भी अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो देर इज़ ए वेरी हाई रिस्क कि आप शायद पास, जस्ट पास हो या फिर फेल हो जाए, मतलब आप कॉन्फिडेंटली पास नहीं हो पाएंगे, राइट? तो क्वालिटी कंटेंट को ज़रूर प्रिपेयर करें अगर आप सिलेक्शन के साथ जा रहे हैं कि मैं ये पढ़ के जा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ के जा रहा हूँ। तो चैप्टर 5 में सबसे पहले शुरुआत होती है LT स्विच गियर से। LT स्विच गियर में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जैसे वी हैव MCB, वी हैव MCCB, SFU, फ्यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ELCB, राइट? ये पांच कंपोनेंट्स हैं, साथ ही साथ एक ACB भी है, एयर सर्किट ब्रेकर, राइट? ये पांच छह कंपोनेंट्स हैं, इन छह कंपोनेंट्स को ढंग से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक क्वेश्चन इन छह टॉपिक्स में से शॉर्ट नोट के तौर पे आएगा। और पास कुछ पेपर्स में देखा गया है कि जो MCB है वो इकलौता एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना करके पूछा गया है, राइट? आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ MCB एंड कंपेयर दिस MCB विद MCCB, राइट? ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को ज़रूर एक अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट? सारे टॉपिक्स को पढ़ने का, प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप चार चार लाइनें पढ़ लें उनकी, ठीक है? चार लाइनों में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको एक क्वालिटी कंटेंट, एक अच्छे लेंथ के साथ कंटेंट, उनके डायग्राम्स, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें ढंग से कवर करना है, ताकि इनमें से कोई भी दो टॉपिक अगर आपको लिखने को आ जाए तो यू मस्ट बी एबल टू राइट एटलीस्ट 2 पेजेस, 2 से ज़्यादा पेजेस आप कवर कर सकें। MCB लिखना है तो उसका डायग्राम मस्ट है, MCCB लिखना है तो उसका डायग्राम तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बनाना, लेकिन कंपोनेंट्स के नाम लिख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, राइट? तो ये एक लिखने की जो आर्ट है ये आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी अगर आप सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है न्यूट्रल एंड अर्थिंग से। न्यूट्रल और अर्थिंग में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग की ज़रूरत क्यों होती है, राइट? न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंसेस क्या हैं, अर्थिंग करने के कितनी मेथड्स हैं, ये सारा का सारा टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा कंटेंट हमने मॉड्यूल 5 के जो वीडियोस हैं उसमें दिया हुआ है PPTs के थ्रू, आप वहाँ से देखिए। देर आर अ नंबर ऑफ डायग्राम्स, जितने ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी आप करेंगे थ्रू डायग्राम्स, थ्रू हेडिंग्स, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी कहानी लिखने से नहीं मिलते मार्क्स, प्रेजेंटेशन पे मिलते हैं। तो यू हैव टू प्रेजेंट इन ए ब्यूटीफुल वे, राइट? न्यूट्रल और अर्थिंग के अंदर ये एक सब टॉपिक है, वो है लाइटनिंग प्रोटेक्शन का। लाइटनिंग प्रोटेक्शन कई बार शॉर्ट नोट में पूछा है या फिर इसी क्वेश्चन के साथ आपसे पूछ लिया गया है एंड में लिख करके कि एक्सप्लेन द लाइटनिंग प्रोटेक्शन। लाइटनिंग प्रोटेक्शन भी एक तरह का एक अर्थिंग का ही टाइप है जो अगेंस्ट लाइटिंग हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट? इसका कंटेंट मैं अभी तक तो चैनल पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन मैं आज कल में ही उसको डाल दूंगा, छोटा सा कंटेंट आप लोगों के लिए, जिससे आप डायरेक्टली उसको प्रिपेयर कर सकें। इसके बाद तीसरा जो मेजर टॉपिक है वो है वायर्स एंड केबल्स का। वायर्स और केबल्स में आपके पास आ जाते हैं, वायर्स और केबल्स में क्या अंतर है, वायर्स और केबल्स कितने टाइप के होते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, वायर्स और केबल्स बताइए कितने टाइप के होते हैं, किसी भी दो टाइप के वायर्स केबल्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपको एक जनरलाइज्ड टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है वायर्स और केबल्स से रिलेटेड, एक दो डायग्राम्स उसके अंदर हो, अगर आप केबल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो उनके नाम ज़रूर याद हों, उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख पाएँ। टाइप्स ऑफ केबल्स की बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ केबल्स वहाँ पर क्लियरली लिखा हो। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जो अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, वो है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके क्वेश्चन के जो अलाइनमेंट में जाकर कर ही आंसर करें, ऐसा ना हो कि कहीं भी रेलिवेंटली हम डिस्कस कर रहे हों
पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ केबल्स और आप कुछ और ही लिख रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रहे कि क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर उस क्वेश्चन के साथ अलाइन होकर ही जाना चाहिए, तभी एक इवेल्युएटर आपको मार्क्स देने की स्थिति में होगा, अदरवाइज वो एक दो नंबर देगा, आप कितना भी लिख लीजिए, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, और राइट। वायर्स और केबल्स के साथ साथ अभी रिसेंटली एक और नया टॉपिक पूछा गया था पिछले साल पेपर में, वो था टाइप्स ऑफ इंसुलेशंस, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक गलती जो आप लोग करते हैं, मान लीजिए पेपर में पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ इंसुलेशन और आप बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वायर्स के बारे में, तो उसका कोई सेंस नहीं है, मार्क्स क्यों देगा कोई आपको, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, आप इररिलेवेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मार्क्स मिलने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है, राइट। इसीलिए ये ज़रूर ध्यान रहे कि वायर्स और केबल्स के टाइप्स पूछे हैं तो टाइप्स के बारे में बात हो रही हो, और इंसुलेशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है तो सिर्फ इंसुलेशन के बारे में ही बात हो रही हो, राइट। इंसुलेशन जो है, टाइप ऑफ इंसुलेशन, मैंने एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है, उस कंटेंट को मैं आजकल में ही जल्दी अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर, जिसको आप रेफ़र कर पाएंगे, अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। और लास्टली एक छोटा सा टॉपिक आता है बैटरी, बैटरी कितने टाइप की होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, दो नंबर का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको पढ़ना नहीं है। तो इतना ही कंटेंट है चैप्टर 5 में। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सेलेक्टिव मटेरियल क्वेश्चंस टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हैं तो क्वालिटी कंटेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग का काम करने वाला है। अगर आपने 100% सिलेबस में से 30% सिलेबस पढ़ रखा है और उस 30% सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्वांटम जैसी कोई बुक का यूज़ किया है, या आपके पास नोट्स नहीं हैं, या आपने उनको ढंग से लिखा नहीं है एक फाइनल प्रिपरेशन के तौर पर, तो उन 30% में से आपको 30% मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी लूजिंग 50% आउट ऑफ दैट 30%। तो आपको 10, 12, 14 नंबर मिलेगा, 21 चाहिए आपको पास होने के लिए, राइट। तो 70 मार्क्स के सिलेबस में से अगर आप 30 नंबर का प्रिपेयर करके जा रहे हो तो 30 नंबर के लायक कंटेंट आपके पास हो, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, अगर आपको कॉन्फिडेंटली सब्जेक्ट को पास होना है तो। अदरवाइज आप किसी भी ऐसे गलत कंटेंट को रेफ़र करें, जैसे क्वांटम मैंने देखा है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, उसके अंदर जो कंटेंट है वो इतना कम है, इतना लो है कि उसको लिख के अगर आप एज इट इज़ किताब को भी छापेंगे ना तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। 50% मार्क्स तो आप ऑलरेडी लूज़ कर रहे हो एज इट इज़ किताब लिख के, और इतनी अच्छी तो मेमोरी हमारी नहीं होती है कि हम एज इट इज़ किताब को उठा के उसके अंदर छाप दें, राइट। इसलिए डू प्रिपेयर अ क्वालिटी कंटेंट टू द क्वेश्चन, जो भी आप प्रिपेयर करके जाएं, जो भी प्रिपेयर करके जाएं, सॉलिड प्रिपेयर करके जाएं, ताकि एक क्वेश्चन भी अगर मेरे को पूरे पेपर में आता हो तो उसमें मेरे को 7 में से 6 नंबर तो कम से कम मिलते हों। दैट इज़ द ओनली सीक्रेट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पास करने का, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल 5। आई होप आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और पेपर बहुत जल्दी होने वाला है इस सेमेस्टर का, 2023-24 जो चल रहा है उसके और सेमेस्टर का पेपर अभी 15 मार्च को शेड्यूल्ड है, तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।